साल 2018 खत्म होने की कगार पर आ पहुंचा। इसी बीच कई फिल्में आई और गई। हाल ही में फिल्म अंधाधुन रिलीज हुई थी, जिसे क्रिटिक्स की तरफ से शानदार रिव्यूज मिले थे। श्री राम राघवन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। वहीं लोगों को इंतजार है 100 करोड़ ही देने वाले इस डायरेक्टर की अगली फिल्म का। तो दोस्तों बता दें आपको कि इंतजार भी जल्द ही खत्म होने वाला है। खबरों की माने तो श्री राम अपनी अगली फिल्म की तैयारी में लगे हुए हैं। जी हाँ, और सबसे मजेदार बात तो ये है कि इस फिल्म के लिए बॉलीवुड के फेमस एक्टर सैफ अली खान का नाम सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्री राम ने अपनी अगली दो स्क्रिप्ट को लेकर सैफ अली खान से बातचीत की है। पहली स्क्रिप्ट परमवीर चक्र से सम्मानित अरुण खेतरपाल पर बनेगी, वहीं दूसरी स्क्रिप्ट एक थ्रिलर फिल्म होगी। वैसे आपको बता दें, सैफ को ये दोनों ही स्क्रिप्ट पसंद आई है और ये कोई पहली बार नहीं है जब सैफ और श्री राम किसी प्रोजेक्ट के लिए एक साथ नजर आने वाले हों। इससे पहले दोनों फिल्म एक हसीना थी और एजेंट विनोद में साथ काम कर चुके हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि श्री राम राघवन के डायरेक्शन में बन रही इन दो फिल्मों में से किस फिल्म में सैफ नजर आएंगे। वेल, आप बायोपिक और थ्रिलर में से कौन सी फिल्म में सैफ को देखना पसंद करेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।